आज मैं अपना सीक्रेट बताने वाला हूं जिससे मैं इंट्राडे से प्रॉफिट कमाता हूं, और आपको अपना मैं सेटअप दिखाने वाला हूं कैसे मैं स्क्रीन सेटअप करता हूं इंट्राडे प्रॉफिट के लिए और कैसे मैं प्रॉफिट निकालता हूं। ये मेरा अकाउंट है एंजल वन का, जहां पर आप देख सकते हैं 30 दिन का मैंने जो मेरा 9,355 रुपये मैंने प्रॉफिट निकाला है, और जो मेरा प्रॉफिट है ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट मेरा हुआ था 11,035, जिसमें 1,680 रुपये मेरा पूरा टैक्स कट चुका है और पूरा मुझे मिला है 9,355 रुपये मेरा 30 दिन का। मतलब आज 18 तारीख है, 17 तारीख से मैंने 30 दिन में जो भी इनकम किया है वो 9,500 रुपये के 9,355 रुपये का प्रॉफिट मैंने निकाला है इंट्राडे से। और कैसे निकाला है सब कुछ बताने वाला हूँ, कैसे सेटअप करता हूँ और कैसे आप ट्रेड ले सकते हैं, सारा कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहो। सबसे पहले मेरे बात ध्यान देना, मैं दिखाता हूँ आपको कुछ खास। ये मेरा तो अकाउंट है एंजल वन का, जहाँ मैं आज दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले जब हम इंट्राडे खेलते हैं ना, देखो यहाँ पे एक लाल रंग का मार्क दिखाई देगा, यहाँ मैंने अच्छा खासा लॉस गेन किया। आपको कम दिखाई दे रहा होगा लेकिन मैंने अच्छा खासा लॉस किया। अब रीजन क्या था, मैंने यहाँ 2,500-2,800 रुपये का लॉस किया है। अब रीजन समझना, मैंने जब ट्रेड लेना चालू किया कुछ कठिनाइयाँ थी, कुछ हर जीवन में किसी के जीवन में परेशानियाँ रहती है, परेशानी को लेकर मैं यहाँ पर आ गया और मैं खेलने लगा। जब मैं इसमें ट्रेड लिया तो ना मुझे कैंडल दिख रहा था ना फंडामेंटल दिख रहा था, बस मैं गुस्से में या अपना काम कर रहा था, ये सब करते करते मैं लॉस की तरफ मूव कर गया। जब तक आप ठंडे दिमाग से काम नहीं करते कोई जंग नहीं जीत सकते। उसी तरह शेयर मार्केट है, बहुत शांति दिमाग से कैंडल को पढ़ना पड़ता है, चार्ट पैटर्न पढ़ता है, फंडामेंटल इंडिकेटर सारा कुछ मैं दिखाऊंगा, कैसे मैं सेटअप करता हूं, कैसे समझता हूं, क्योंकि एक भी चीज़ मिस कर गया ना तो आप प्रॉफिट नहीं कर सकते, ये बात ध्यान समझ लो। चलो अब मैं सबसे पहले दिखाता हूँ, आज है 18 तारीख का डेट है, आप देख सकते हैं आज है 18, ठीक है। तो कल का मैं दिखाता हूँ प्रॉफिट, कल मुझे थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ था, मेरा एक महीने का पूरा ये प्रॉफिट है, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। देखो ये मेरा हुआ है कल का प्रॉफिट जो हुआ है दोस्तों, 490 रुपये प्रॉफिट, वैसे 538 में 490 हुआ, 48 रुपये टैक्स कट गया, टैक्स बहुत कट रहा है लेकिन प्रॉफिट भी आ रहा है। लेकिन कैसे आ रहा है ये सब कुछ मैं अपने चैनल में इंट्राडे में पूरा सेटअप करके आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो मेरे चैनल पर बने रहो। तो ये मेरा स्क्रीन सेटअप है, देखो ये मेरा पूरा स्क्रीन सेटअप है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो मैं तीन और एक चौथा मोबाइल यहाँ दिख रहा होगा, चौथा मोबाइल है, इसी से मैं इंट्राडे पूरी ट्रेडिंग करता हूँ। मेरे घर वाले मेरे पापा मम्मी तो गुस्सा भी होते हैं कि क्या कर रहा है इतना कंप्यूटर खोल के ये कर क्या रहा है, घर वाले मेरे यहाँ तक बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों सारा गेम ये स्क्रीन का ही है। आप जब शेयर मार्केट में आते हो तो सबसे बड़ा होता है विजुअलाइजेशन, आप कैसे देख रहे हो उसको फंडामेंटली टेक्निकली, तो आपको सारा चीज़ सही तरीके से देखना होता है। अब देखो ये तीन स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा, तीन स्क्रीन, चौथा थोड़ा ऑफ हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं एक्चुअल में देखता क्या हूँ, करता कैसे हूँ। देखो आप यहाँ देखना, यहाँ पर सबसे पहले मैं स्टॉक को चुनता हूँ, सबसे अच्छा स्टॉक कौन सा है उसे सेलेक्ट करता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे चुनता हूँ, स्क्रीन में ले जाकर दिखाऊंगा, जो सब जिस स्टॉक में सबसे ज़्यादा लोग खरीदारी कर रहे हैं उसी स्टॉक को मैं खरीदता हूँ। तो वो कैसे चूज करता हूँ वो मैं आपको स्क्रीन पर ले जाकर दिखाऊंगा, अभी मैं अपना सेटअप दिखा रहा हूँ आपको। अब देखो यहाँ पर देखना, यहाँ पर मेरा एक ये डिस्प्ले है जहाँ पर NSE खुला हुआ है। अब NSE खुला हुआ है तो मैं यहीं से स्टॉक देखना चालू करता हूँ, सबसे पहला स्टार्टिंग सबसे, क्योंकि अभी लाइव नहीं है, आज 20 तारीख है, बॉम्बे में इलेक्शन है तो आज स्टॉक मार्केट बंद है, मंडे है आज, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ सिर्फ मैं कैसे करता हूँ। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं आता हूँ NSE में और स्टॉक देखता हूँ कौन सा स्टॉक सबसे ज़्यादा बाय हो रहा है, सेल हो रहा है, मैं यहाँ ढूंढता हूँ सबसे ज़्यादा क्राउड किस पे है, फ्लक्चुएशन किसका सबसे ज़्यादा है। इसके बाद मैं आता हूँ BSE मनी कंट्रोल में जाता हूँ। देखो यहाँ मनी कंट्रोल होगा हमारा, ये मनी कंट्रोल मंट्री, देखो मनी कंट्रोल साइट पर आता हूँ। मनी कंट्रोल पर आने के बाद मुझे टेक्निकल एनालिसिस कुछ मिल जाता है, नॉलेज मिल जाता है कि इस साइट में सबसे ज़्यादा लोग हैं, ट्रैफिक है सबसे ज़्यादा, मनी कंट्रोल से मैं जान जाता हूँ। अब मनी कंट्रोल और NSE से समझ कर मैं स्टॉक चूज कर फिर मैं निकलता हूँ यहाँ पर आता हूँ मैं ट्रेडिंग
www.view.com पे। अब यहां आने के बाद देखो मैं जाता हूं इसको बार बार प्रेस करता हूं, देखो यहां पर मैं बार बार प्रेस करूंगा इसको, यहां पर मैं इतना चेंज होगा ये देखो मैं इसको बार बार प्रेस कर रहा हूं, ये देखो बार बार चेंज होगा, देखना ये क्या होता है, बार बार चेंज हो रहा है। तो लाइव होगा ना तो ये मुझे मालूम चलता है कि हाँ अब ये स्टॉक आने वाला है, ये स्टॉक आएगा, ये स्टॉक नीचे गया था अब ये ऊपर जा रहा है तो मैं इससे पकड़ लेता हूँ, अब यहीं से मैं स्टॉक को गेन कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ आता हूँ, अब यहाँ आने के बाद दूसरे स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले देखता हूँ कि उसका चार्ट क्या कह रहा है। यहाँ पर मैं चार्ट पूरा स्टडी करता हूँ, पूरे अच्छे से चार्ट को पढ़ता हूँ, जो भी मेरा टेक्निकल नॉलेज होता है चार्ट को पूरे तरीके से मैं स्टडी करता हूँ दूसरे स्क्रीन पर। अब देखो दूसरे स्क्रीन पर, अब यहाँ सबसे बड़ा देखो, सबसे बड़ा मैटर देखो, अब मुझे अगर इसे स्विच करना है इस स्क्रीन को, तो देखो ये नीचे एक बटन है, मैं दबाऊँगा, अब मेरा ये स्क्रीन स्विच हो चुका है, अब मेरा स्क्रीन ये स्विच हुआ है। अब देखना यहाँ पर आते देखो, सबसे पहले मैं देखता हूँ वॉल्यूम, सबसे हाई वॉल्यूम किस में है, देखो यहाँ मुझे वॉल्यूम मिल रहा है, मैं समझ जाता हूँ यहाँ लोग बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़ इस शेयर में मैं देखता हूँ कि क्या 10 जैसे 10.5 10 से 11 के बीच में बार ऊपर नीचे शेयर कर रहा होगा, 10 से 11 के बीच में कहीं ना कहीं पर करेगा। मैं इसी सुजलोन के बारे में बता रहा हूँ, किस शेयर के बारे में बता रहा हूँ। अब जैसे ही मुझे मालूम लगा कि इसे 10 और 12 के बीच में कर रहा है, बार बार अप डाउन कर रहा है, तो मैं नीचे का सेटअप बनाना चालू कर दूंगा कि 10 पे सेटअप बनाऊँ ताकि 12 पे आते सेल हो जाए। लेकिन मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यहाँ पर 0.5 पे मैं खेलता हूँ, 5 पैसे पर मैं पूरा गेम खेलता हूँ दोस्त। अब यहाँ इसके बाद थर्ड मेरा सेटअप है, देखो जो तीसरा सेटअप है मेरा, ये है मेरा, मैं टैब उठा लेता हूँ आपको दिखा देता हूँ, देखो ये मेरा टैब है। अब देखो टैब में क्या दिख रहा है, ध्यान देना टैब में देखो, यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ पर सेल क्वांटिटी एंड बाय क्वांटिटी दिखाई दे रहा है। जब आप लाइव रहोगे तो 1 करोड़ रुपए की सेल क्वांटिटी और बाय क्वांटिटी चलती रहेगी। तो जब मैं देखता हूँ कि सेलर लोग बहुत आ चुके हैं तब वहीं पर मैं गेम खेलता हूँ, क्योंकि सेलर बहुत है, खरीदारी करेंगे तो ऑफकोर्स है कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, तो मैं तुरंत खरीदता हूँ ताकि शेयर ऊपर चला जाए। ये सब तीनों स्क्रीन मिलाकर ही पॉसिबल है, ये सारा गेम तीनों स्क्रीन को मिलाकर पॉसिबल है मेरे, मैं खेल पाता हूँ। अगर मैं तीनों स्क्रीन हटा दूँ ना तो मैं नहीं खेल पाऊँगा, मैं लॉस में चला जाऊँगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, मोबाइल से करने लगते हैं, बहुत चीज़ से करते हैं, पक्का लॉस में जाएंगे, क्योंकि मैं इतना एनालिसिस करने के बाद उस शेयर पर टिकता हूँ तभी जाकर प्रॉफिट की तरफ मूव करता हूँ। चौथा मेरा ये मोबाइल है, इसी से मैं बाय करता हूँ, ये मेरा है, इसी से मैं बाय करता हूँ, सेल करता हूँ, इसी से स्टडी इन तीनों से करता हूँ। लेकिन मैं बाय, ये देखिए ये तीनों मेरे हैं, ये तीनों समझे सिस्टम मेरी जान है, अगर ये ना हो तो मैं कुछ भी ना कर पाऊँ। तो यहाँ से शुरू होता है मेरा पूरा गेम और पूरा जाकर लास्ट यहाँ चलता है और चौथे पर जाकर मेरा एंड हो जाता है, तब जाकर मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो पाता हूँ कि मैं प्रॉफिट की तरफ मूव करूँगा। और जैसे ही मुझे प्रॉफिट मिलता है इंट्राडे में, मैं तुरंत सेल मारता हूँ उस मोबाइल से और बाहर एग्जिट हो जाता हूँ। चलो अब आपको ले जाता हूँ स्क्रीन पर, अच्छे से समझाता हूँ इंट्राडे स्ट्रेटेजी। यहाँ पर हम समझेंगे 7 स्टेप में कि कैसे हम अपने प्रॉफिट डेस्टिनेशन की तरफ पहुँच सके, कैसे हम प्रॉफिट पर डे का 1500 रुपए निकाल सके। तो इसके लिए ये 7 स्टेप है जो मैं फॉलो करता हूँ, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आऊँगा स्क्रीन पे, जहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, हल्का सा बड़ा। अब देखना यहाँ पर देखना, ये इंट्राडे स्ट्रेटेजी जो हमारा है इसे हम फॉलो करेंगे, 7 स्टेप में है। सबसे पहले हम चूज करेंगे हाउ टू पिक ए स्टॉक, कैसे हम स्टॉक चुनते हैं जिस पर इंट्राडे हमें खेलना है। विच सेक्टर इज बुलिश टुडे, कौन सा सेक्टर बुलिश है ये भी जानेंगे। थर्ड में जानेंगे स्टॉक अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड, जिस स्टॉक को हमने चूज किया ये वो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। चेक वॉल्यूम ऑफ सेलेक्टेड स्टॉक, जिस स्टॉक को हम चूज करेंगे क्या उसमें वॉल्यूम है, क्या लोग वहां बाय सेल कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं अकेले मैं ही बाय करके बैठ जाऊं, ऐसा ना हो। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा, हमें पैसा कमाने में उतना ज़्यादा आसानी होगी। फोर्थ हमारा है स्टेप, और पांचवा स्टेप चेक बाय एंड सेल क्वांटिटी एंड प्रॉफिट। अब यहाँ वाला स्टेप ना दोस्त जबरदस्त है, समझने वाली चीज़ है, समझोगे तो मज़ा आ जाएगा। देखो ये वाला जो पांचवा है ना, यहाँ हम आपको प्रैक्टिकली
करके दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज के दिन में स्टॉक मार्केट ऑन हो चुका है, तो लाइव करने की कोशिश मैं करूंगा। फिलहाल के लिए चेक बाय एंड सेल क्वांटिटी इन प्रोफाइल, हम चेक करेंगे कि जो आपका चेक बाय एंड सेल क्वांटिटी या प्रोफाइल में वो कितना है, कितना चल रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा लाइव की, दिखेगा कि आपका ऐसे प्रोफाइल में क्वांटिटी बाय और सेल हो रहा है, कितनी क्वांटिटी बाय और कितनी क्वांटिटी सेल हो रही है, ताकि हम अच्छे से डिसीजन ले सके। मैं आपको स्क्रीन प्लेयर दिखाऊंगा, फिलहाल मैं समझा रहा हूं। चेक फ्लक्चुएशन प्राइस, फ्लक्चुएशन प्राइस भी बड़ी अच्छी पोजीशन है, जहां पर हम समझेंगे मान लो 10 से और 5 के, 10 5 और 11 के बीच में ये बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है, तो क्या हम 5 पैसे पर ट्रेड ले सकते हैं? बात समझ रहे हो तुम लोग? तो ये वाले प्राइस पे हम ट्रेड लेके निकल जाएंगे, अपना सेटअप बनाएंगे, ठीक है, ट्रिगर सेटअप बनाएंगे। यहाँ पर फाइंड अपॉर्चुनिटी टू बाय एंड सेल स्टॉक, बस समय देखेंगे और वहाँ पर स्टॉक हमारा बाय सेल खुद होगा, हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ ट्रिगर मूवमेंट अपना वहाँ पर एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अब स्क्रीन पे और लाइव आपको दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले मैं स्टॉक चूज करूँगा, अब स्टॉक पिक द स्टॉक, सबसे पहले स्टॉक हमें चूज करना है। तो सबसे पहले देखो, अभी देखो जो ये चल रहा है, मैं अगर मार्केट पे एंजल वन के अगर पोर्टफोलियो पे हो, प्रोफाइल पे हो, तो मैं उस पर बता रहा हूँ। मार्केट जाना है, मार्केट मूवर्स पे क्लिक करना है, ये देखो स्टॉक आ गया। इसके बाद आप चले जाओ क्या बोलते हैं trading.com पे, trading.com पे जाओगे, यहाँ पर ये मार्क दिखाई दे रहा होगा, आग जैसा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ देखना वॉल्यूम, देखो यहाँ पर देखो कितने कौन से स्टॉक पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, ये देखो यहाँ पर वॉल्यूम दिखाई दे रहा। तो मुझे इन सब में से स्टॉक चुनना है। मैं अगर यहाँ पर आता हूँ तो मैं यहाँ पर से भी स्टॉक चुन सकता हूँ। बात क्या है, मैं चूज़ करता हूँ थोड़ा कम प्राइस का स्टॉक मिले, ताकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बाय कर सकूँ और उस पर प्रॉफिट निकाल सकूँ। सबसे बड़ी बात ये रहती है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं रहते, फिर मुझे मार्जिन लेना होता है, तो वो भी मैं कंडीशन बताऊँगा आगे चले कैसे करना है। पहले पिक द स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर मोस्टली मैं यहीं से पिक करता हूँ, देखो यहाँ मैं देख लेता हूँ। और देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक चीज़ और है, मैं तुम लोग को बताता हूँ। ये देखो ये टॉप गेन हो गया, ये यहाँ जाता हूँ। फिलहाल के लिए अभी हम प्ले पिक, देखो यहाँ से हमने अपना वॉल्यूम चुन लिया, मान लो हमने रतन पावर लिखा हुआ है, रतन पावर पे बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है, तो हम रतन पावर पे क्लिक करेंगे और रतन पावर के हम 30 मिनट या 5 मिनट के फ्रेम पे क्लिक कर देंगे। ये मैंने रतन पावर के 5 मिनट के फ्रेम पर मैं चला आया हूँ। अब देखो यहाँ वॉल्यूम कैसे हाई जा रहा है, ठीक है, मुझे मालूम चल गया रतन पावर पे बहुत बढ़िया भीड़ चल रही है, आइडिया पे अच्छी भीड़ चल रही है, मैं किसी भी स्टॉक पे ले सकता हूँ। देखो 14-23 चल रहा है, ये चल रहा है, अब मैं किसी भी स्टॉक पे गेम खेल सकता हूँ। यहाँ पर मुझे गेम खेलना है, ये IRFC तो मैंने बहुत ज़बरदस्त खेला है, बहुत दिन से खेला है, तो मैं इस पर हमेशा कोशिश करता हूँ। लेकिन आज का कंडीशन थोड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मार्केट पुलिस जरूर है, लेकिन हमारा IRFC उस तरह का जंपिंग नहीं कर रहा है अभी फिलहाल। और सबसे बड़ी बात है, जो मैं मार्केट में इंटरडे में जंप करता हूँ 10:30-11 बजे के बाद, 10:30 के बाद करना, अभी मत करना, ठीक है, मार्केट लाइव है, लेकिन 10:30 के बाद करेंगे हम लोग जंप, ठीक है। अब यहाँ से ये चीज़ होने के बाद, जब हमने चूज मान लो, जैसे अब मुझे यस बैंक ही अच्छा लग गया, मुझे ये लगा कि यस बैंक पे मुझे करना है, तो यस बैंक हमारा सिलेक्टेड स्टॉक हो चुका है। अब तो सेकेंड स्टेप में हम जाएंगे, यहाँ पर हम इसके बाद हम क्या चेक करना है, हमें चेक करना है अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, हमने जो बनाया था सेकंड स्टेप अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। देखो मैं अपने ऐप पर आ गया हूँ, एंजल वन के प्रोफाइल पर आ गया हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बारीक चीज बताने वाला हूँ, जो फोर्थ पॉइंट था हमारा, कि हम जो स्टॉक चूज करते हैं उसके बाय और सेल कंडीशन कैसे चेक करते हैं। अब देखना यहाँ पर आप देखना लिखा है मोस्ट बाउंस्ड, सबसे ज़्यादा खरीदारी वाले स्टॉक, 4 स्टॉक इसमें आ रहे हैं। यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हो, जो मैंने पहले बताया था वहाँ भी चूज़ कर सकते हो, और यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हो। थोड़ा गला मेरा ख़राब है, थोड़ा आवाज़ समझिएगा आप लोग। अब यहाँ देखना, मैंने मान लो आइडिया को मैंने चूज़ कर लिया, आइडिया को चूज़ करने के बाद यहाँ देखना, जैसे मैंने आइडिया को चूज़ किया, तो यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको जो सबसे पहला बाय प्राइस और सेल प्राइस, सेल प्राइस से हमें बचना है, बाय प्राइस हमेशा ग्रेटर होना चाहिए सेल प्राइस से, मतलब जो हमारा बाय क्वांटिटी हो हमेशा बड़ा हो सेल प्राइस से, तभी हम खरीदारी करेंगे, तभी हमारा शेयर ऊपर की तरफ मूव करेगा, प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है, इस बात का ध्यान रखना। बाय प्राइस हमेशा ग्रेटर होना चाहिए सेल प्राइस से, ठीक ना, मतलब ये 11 हो तो ये 10 हो, सेल प्राइस 10 हो और 11 होगा तभी हम बाय करेंगे, इस बात को ध्यान देना। और ये हमेशा जब लाइव रहेगा तो ये चलता रहेगा, ये
जो चार्ट हमेशा चलता रहेगा दोस्तों। अब ध्यान देना, यहां पर लिखा है 13.55, मतलब सॉरी 13.55। अब यहां फ्लक्चुएशन हमें करना है, जो मेरा छठवां पॉइंट था फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन में यहां क्या करना है, देखो 55 से 60 पैसा जाएगा, 70 पैसा जा सकता है, 80 पैसा जाएगा, ऐसे फ्लक्चुएट करेगा वो, 55 70 जाएगा फिर पीछे आएगा, 55 80 जाएगा फिर आगे पीछे आएगा। हमें पकड़ना है कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां से फ्लक्चुएशन खत्म हो रहा है। हमने पकड़ लिया तो हम मान लो 55 पर सेट कर दिया, हम ट्रिगर इवेंट क्या करेंगे 55 पर सेट कर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूं, उससे पहले देखो, उससे पहले क्या करो, आप यहां क्लिक करो, यहां देखो चार्ट देखना, चार्ट को 30 वाले पे सेट कर लेना, 30 के फ्रेम पे सेट करना। ये देखो ये चार्ट क्या हो रहा है, अब ट्रेंड में है, अब ट्रेंड में जा रहा है, ध्यान से देखो, अब ट्रेंड में जा रहा है तो ही हम लेंगे खेलना। मैं आप ही ट्रेंड में खेलता हूं, डाउन ट्रेंड में आप खेल सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली नहीं खेलता डाउन ट्रेंड में, अब ट्रेंड पे ज्यादा खेलता हूं तभी मुझे प्रॉफिट होता है। अब यहां पर मैं अब ट्रेंड को पकड़ूंगा, देखो ये सब अप ट्रेंड है, 30 वाले फ्रेम पे सेट किया, अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है, अप ट्रेंड है। अब हम सिंपल सा इस पे करेंगे बाय। जैसे हम बाय करते हैं यहाँ तीन चीजें आती हैं, सबसे पहला आता है डिलीवरी, डिलीवरी का मतलब लेने के बाद आप 6-7-8 महीने रखिए। इंट्राडे मतलब आज खरीदना है और आज बेचना है हमको। अभी मैं छोड़ो इस पे आता हूं, पहले ये थोड़ा सा मजा नहीं आएगा, मैं इस पे खेलूंगा ही नहीं। अगर आइडिया पर मैं यस बैंक पे खेलूंगा, क्योंकि यस बैंक पे मार्जिन मुझे ज्यादा मिलता है। देखो ये दिखाता हूं, ये देखो 5x का इंट्राडे मार्जिन, क्योंकि ये लार्ज कैप है इसीलिए इसमें 5x का है। अब देखना मैं जैसे यहां पर 10-20 लिखूंगा, ये कितना हो रहा है, ये 465, और जैसे ही मैं डिलीवरी पे जा रहा हूं ये क्या हो रहा है, 93 रुपीज हो गया। बात समझ आ रहा है तुमको? तो यहां पर मैं क्या क्वांटिटी बढ़ा सकता हूं, मैं यहां पर क्वांटिटी कर दूंगा 2000, मतलब 9300 रुपये का। डिलीवरी में जाता हूँ तो ये 46000 रुपये का, मतलब मैं 46000 रुपये का खेल सिर्फ 9300 में खेलने वाला हूँ। जो प्रॉफिट आएगा उसमें मैं उसका वो होगा। अब अगर 2000 क्वांटिटी है, 0.5 भी बढ़ता है, तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, अगर मैं जाता हूँ कैलकुलेटर में, ये जाता हूँ 2000 × 0.10, 200 रुपये मुझे प्रॉफिट होगा, झटके से निकलता है, लेकिन ये ज़्यादा निकलता है, कम बता रहा हूँ मैं। मैं कम से कम 45 पैसे तक उड़ा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ 2000 क्वांटिटी में, मैं बताता हूँ आपको, क्वांटिटी भी ज़्यादा रहती है मेरी, मैं बता रहा हूँ 0.45 पैसे तक ले आता हूँ, 900 रुपये तक मैं निकाल सकता हूँ। अगर चांस मिला तो मैं 900 रुपये तक निकाल लूँगा यहाँ से, और 900 रुपये मेरे कुछ ब्रोकिंग चार्ज कटेंगे 50-60 रुपये, 20-40 मतलब 50 रुपये कटते हैं ब्रोकिंग चार्ज पूरा मिला के 50-60 रुपये, और तब पर मुझे 800 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन कंडीशन पूरी समझ के, ऐसा नहीं है कि बिना कंडीशन के, सारा कंडीशन समझो पहले। अब क्या 2000 पे मैं कर गया, अब यहाँ पर जस्ट मैं प्ले मारूंगा और ये काम हो जाएगा और इंट्राडे पे ये चलेगा। सबसे बड़ी बात, अहम बात यहाँ देखो, सबसे बड़ी बात है, जैसे अब मैं यहाँ पर दो चीज़ कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसे 200 कर दूँ तो मैं इसे डिलीवरी पे चेंज कर सकता हूँ। मान लो मेरे पास पैसे हैं और मुझे लग रहा है कि मेरा नुकसान हो सकता है, 50-60 रुपये अपना बचाना चाहता हूँ, तो मैं डिलीवरी पे सेट कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, लेकिन ये मोस्टली मैं नहीं करता, मैं इंट्राडे पे खेलता हूँ। बात समझना, अब इसे 2000 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर कैंडल स्टिक का भी ज्ञान जरूरी है, जो मेरे वीडियो में बने हो तो मैं पढ़ाऊँगा। अब देखना यहां पर जैसे क्लिक करोगे तो यहां स्टॉप लॉस नाम का चीज होगा। अब यहां पर हमको ट्रिगर प्राइस स्टॉप लॉस लगाना है। देखो यहां पर 18-70 या 23-25, हमें जब हम बाय करते हैं तो बाय करने का भी एक कंडीशन होता है, ऐसे नहीं कि तुरंत गया बाय कर लिया। सबसे पहले देखो यहां पर जैसे मुझे 2000 क्वांटिटी बाय करना है, इंट्राडे में गया तो यहां 2000 लिखा मैंने, अब यहां पर 23-25 लिखा है, बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है, कितना ये 23, ये लिमिट ले जाएंगे, ये 23-15 तक आ रहा है मुझे मालूम, तो 23-15, तो यहाँ पर जाके हम इसको प्लेस ऑर्डर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 23-15 पे जैसे ही आएगा ये बाय हो जाएगा, और 23-25 पे ये जाके सेल हो जाएगा। ऐसा हम ट्रिगर स्टॉप लॉस में लगा देंगे। अगर हमको लगता है हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आप भी लगाइएगा, जरूर लगाइएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मान लो ये 23 है तो मैं 23 पे ही लगा दूंगा स्टॉप लॉस की, 23 पे भाई 23 पे आएगा तो यहाँ ट्रिगर से मूवमेंट से वो सेल हो जाए, यहाँ मैं फिक्स करके लिमिट पैच करके सेल कर दूंगा, ठीक है, स्टॉप लॉस लगा दूंगा। अब जैसे आप बाय कर लेंगे तो आपको सेल का भी आ जाएगा, तो आप सेल का भी प्राइस यहाँ पर ट्रिगर लगा देंगे कि भाई 23.55 या 23.40 जाएगा तो हमको ये बिक जाना चाहिए। अब
देखो क्वांटिटी हमने क्या किया था, हमने खरीदा था 9,300, लेकिन इतना पैसा नहीं है, कम से कम मैं 25,000 रुपये इसमें डालता हूँ, तो मैं लूँगा 5,000 शेयर खरीदूँगा, 5,000 मिनिमम शेयर लूँगा, 5,000 का शेयर लूँगा। तो मान लो अगर ये 5,000 का शेयर लेता हूँ, और मैं इसे क्लीन से करता हूँ, मेरा 5,000 शेयर 0.35 पैसा, 1750 रुपये, मतलब एक दिन में हम 1750 रुपये अर्न करके निकल सकते हैं। बात समझ आ रहा है तुम लोगों को? इतना बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ तुम लोग, कोई नहीं बताएगा कि चैनल पे तुमको नहीं मिलेगा, यह राज है। 1750 रुपये तुम निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर कैंडल स्टिक को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ भी आप ठोकते रहो, ठीक ना? तो आपको यहाँ कैंडल स्टिक भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कैंडल स्टिक ही सारा बयान करता है। आप ट्रेंड में होना चाहिए और हमको सारा कंडीशन मालूम रहना चाहिए, ठीक है? तो अब ये हो गया इंट्राडे का पूरा चीज़। लेकिन मैं अब इंट्राडे में एक चीज़ और बताऊँगा, कैंडल स्टिक को पढ़ना, और मैं लाइव होके आपको बताता जाऊँगा कि अगर आप इंट्राडे में सब खेलना चाहते हो जैसे मैं खेलता हूँ, देखो नुकसान तो मेरा भी होता है, ऐसा नहीं है कि हम सब प्रॉफिट, स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, 100-200 में निकल जाता हूँ, किस दिन 2 बार हिट कर गया तो 1200 से 1500 से ऊपर चला जाता हूँ। मैं बता दूं कि देखो सबसे पहली चीज़ मैं बताता हूँ, अभी जो आपको चीज़ बताया तो आपको लगेगा कि बहुत ईजी है, इतना तो मैं रोज़ कमा लूँगा 2,000-3,000 रुपये, ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केट हमेशा पैसे नहीं देता है। जब अप ट्रेंड में होता है, बुलिश होता है मार्केट, तो ही पैसा कमाया जा सकता है, वरना कोई नौकरी ना करे, मैं भी नौकरी ना करूँ, जॉब ना करूँ, दिन भर यही करूँ, ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हर स्टॉक आपको उस दिन कमा के दे ही दे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि जब आप सोचते हो बहुत ईजी सोचते हो, जब करने जाते हो तो बड़ी बड़ी बहुत सारी परेशानियां वहां आती हैं, तो ऐसी परेशानी मुझे भी आती है। मैं बता दूं, मेरा एक दिन में मैंने सबसे ज़्यादा निकाला है तो 11,000 रुपये इंट्राडे से निकाला, एक दिन में 11,000 रुपये मेरा फाइनल था, एक दिन का 11,000 रुपये मैं टचअप था, और चार्ज और नुकसान मैंने भी बहुत किया है, नुकसान मैंने कम नहीं किया, नुकसान मेरा होता है। अभी मैंने बताया ना, मैंने 2,500 रुपये का भी नुकसान किया है, तो ज़्यादा ओवरलोडिंग स्टॉक लेने और ट्रेडिंग करने में होता है, ठीक है, लेकिन उससे मैं कमाया भी है। मैं जानता हूँ कि लॉस है तो फिर प्रॉफिट में मूव करूँगा, क्योंकि मुझे टेक्निकल नॉलेज हो चुका है, मेरा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, क्योंकि आप पढ़ते हो वो चीज़ अलग है, अनुभव अलग चीज़ है। और एक चीज़ और, जब आप कुछ सीखने जाते हो ना तो आपका समय टाइम सब वेस्ट होता है, कोई सीखा साखा लोग है जो हर वो अपने लॉस से सीखा हुआ, तो उसके साथ आप बने रहते हो तो आपको फायदा होता है, आपका टाइम वेस्ट कम होता है, आपका पैसा का नुकसान भी कम होता है। तो मैं चैनल पे बने रहना, इंट्राडे का ना मैं आपको स्टॉक लाइव करके दिखाऊंगा, शायद मैं नुकसान पे भी जाऊं और फायदे में जाऊं वो भी आपको दिखाऊंगा, तो लाइव में आप देख पाओगे और मेरे साथ सीख पाओगे, और डेली का 400-500 रुपये शायद मे भी निकाल लो आप, लेकिन जब मैं बोलूँगा तब, ऐसा नहीं है कि हमेशा पैसा निकलता है, ऐसा नहीं है। जब हमारा मार्केट बुलिश रहता है, बहुत सारा चीज़ देखना है। अभी तो मैंने आपको निफ्टी चार्ट का नहीं बताया, क्योंकि जब मैं इसे देखता हूँ तो पहले निफ्टी चार्ट पे देखता हूँ, सेक्टर देखता हूँ कौन सा सेक्टर है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सेक्टर देखता हूँ कि कौन सेक्टर बुलिश जा रहा है, तब मैं वहाँ से हिट करता हूँ। बात को समझो, ठीक है? तो चलो अब मेरे वीडियो बने रहना। अगर पैसा कमाना है शेयर मार्केट से, क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड का भी ला रहा हूँ, तो उसमें भी आप जानकारी अच्छा खासा पैसा निकाल सकते हो। तो फिलहाल के इंट्राडे का बता दिया आपको, इंट्राडे मैं लाइव करवाऊंगा अपने सेशन पे, और मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं फ्री में उनको सिखा रहा हूँ, फ्री में, एक रुपया नहीं लेता, फ्री में सिखा रहा हूँ। तो आप भी सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल बने रहना, फ्री में सिखा रहा हूँ, नो पैसा भैया। शेयर मार्केट से पैसा कमाना है तो पैसा मैं आपसे क्यों लूँ, ठीक है? तो आप कमाओ, वीडियो देखो, समझो, मेरे वीडियो में जितना कुछ है फैक्ट होगा, मैं डुप्लीकेशन डालता कि 10 लाख कमा ले बस 20 लाख, ऐसा नहीं है दोस्तों। जो मैं फैक्ट कमाता हूँ, मैं खुद नौकरी करता हूँ और खुद खेलता हूँ बहुत। मैं मुझे भी सिखाने वाला मेरा गुरु था एक, जो आज करोड़ों में है, मैं नाम नहीं ले सकता है, उनसे मैंने सीखा। नहीं तो मुझे शेयर मार्केट में भरोसा नहीं था कि इससे पैसे कमाए जाते हैं, मैंने उनसे सीखा और मैं फिर समझा तो फिर आगे बढ़ा दोस्तों। चलिए मेरे वीडियो में बने रहिए और कमाने के लिए सीखते रहिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें दुनिया में कमाने के लिए हैं।